अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो पर और इस नए लेसन पर वेलकम करता हूँ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के नए वीडियो पर। तो पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो की शुरुआत से पहले एक बहुत ही बहुत 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 ही ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। गगन काशुल, गगन काशुल, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए। और इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए। चेतन किशोर, नमस्कार केतन केतन किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे इस काबिल समझा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। निक्शन कैवल केंट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आई डोंट नो वेयर आर यू फ्रॉम, बट रियली रियली थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड रास कम्युनिकेशन, आपकी तो बात ही कुछ और है, आप तो बहुत राज हैं, तो राज से ही आप कमेंट करना, मैं राज में ही बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राज मेरे चैनल बहुत बहुत शुक्रिया राज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और है व्हाट इज़ मैन, व्हाट इज़ मैन, आपने एक कमेंट किया था और मैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर कमेंट करने के लिए। आपने कहा था कि एक वीडियो की डिमांड की है और रिक्वेस्ट की है, मैं इसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे उस वीडियो पर मैं आपको आपके बताए हुए वीडियो बनाऊंगा और मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो नेक्स्ट है वाहिद सिल्वर स्टार, वाहिद सिल्वर स्टार, आपने कहा कि कमेंट पर सुपर सर, तो मैं ये कहूँगा कि आपका कमेंट भी बहुत सुपर है और आपकी डीपी भी बहुत सुपर है। इंशाल्लाह इसी तरह कमेंट करते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और हमारे अगले हैं मोहम्मद रयान, मोहम्मद रयान, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रयान, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें इंशाल्लाह। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन पर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाइन ऑफ स्पेल्स। तो हम इस लेसन पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लेसन है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वो जो था वो लेसन नंबर वन था। फिर मैंने एक वीडियो बनाया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वो जो था लेसन नंबर टू था। आज का हमारा वीडियो है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। तो अगर आप इससे पहले की वीडियो जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वो नहीं देखा, तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस जो है तीन होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के, एक सेंटेंस के जो है तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, वो क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो में, आज हम इसमें इस लेसन को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के लेसन पर। वॉट इज ये सब्जेक्ट, अगर जैसे ही आपने इस लेसन के टाइटल को देखा सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, तो आपके लेसन में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, मैथ्स साइंस तमिल उर्दू हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती, वो सब्जेक्ट्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। ओके तो गौर करते हैं, वॉट इज ये सेंटेंस, वॉट इज ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन, और द पर्सन और द थिंग दैट इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कोई शख्स या कोई चीज दैट इज डूइंग एन एक्शन, जो एक्शन करते हो उस सेंटेंस पर, जो शख्स या कोई चीज होता है वो सेंटेंस पर फोकस करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रिडिकेट है। हाँ तो ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको बात। तो किसी भी सेंटेंस में दो चीज होंगे, या तो कोई शख्स होगा या कोई चीज होगा या कोई नाम होगा। ओके किसी खेल का नाम, कोई एक्शन का नाम, ओके वो होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है व्हाट इज प्रिडिकेट, प्रिडिकेट क्या होता है दोस्तों, द प्रिडिकेट इज द पार्ट ऑफ द
सेंटेंस दैट कंटेन्स द एक्शन, दैट कंटेन्स द एक्शन। दोस्तों प्रिडिकेट जो होता है सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें जो है एक्शन हो रहा होता है, ओके जिसमें एक्शन मौजूद हो, उस हिस्से को, सेंटेंस के उस हिस्से को हम प्रिडिकेट कहते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रिडिकेट का स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रिडिकेट का स्ट्रक्चर, जिस तरह से हम प्रिडिकेट को किसी भी सेंटेंस में देखेंगे और उसको दो हिस्सों में बांटेंगे, तब हमें यह पता होना चाहिए कि प्रिडिकेट किस तरह होगा और किस तरह हम उसको पहचान सकते हैं सेंटेंस में। तो वी प्लस वो, वी यानी के वर्ब, वी फॉर वर्ब और वो फॉर ऑब्जेक्ट। दोस्तों वी फॉर वर्ब और वो फॉर ऑब्जेक्ट, पहले वर्ब होगा उसके बाद जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ओके दोस्तों गौर कीजिए, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उस वक्त हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए ये देख लेते हैं। वेन एवर वी फ्रेम ये सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो द सेंटेंस मस्ट हैव टू एसेंशियल पार्ट्स। जो सेंटेंस के जो है दो पार्ट्स होना बहुत जरूरी होता है, वो क्या होता है, पहला जो है वी राइट ए नेम ऑफ ए पर्सन, हम जो है किसी इंसान का नाम लिखेंगे, और द नेम ऑफ ए थिंग्स, कोई चीज का नाम लिखेंगे या कोई प्रोनाउन लिखेंगे। दोस्तों प्रोनाउन क्या है, मैंने लास्ट वीडियो पार्ट्स ऑफ ये सेंटेंस में मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। प्रोनाउन क्या होता है, इनका, उनका, आप, मैं, तुम, वो, ये जो है प्रोनाउन होता है। ओके इसको हमें अंग्रेजी में ही शी इट आई वी यू दे जो है वो प्रोनाउन होता है। आगे में हम आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में प्रोनाउन के बारे में, अब तक के लिए बस इतना काफी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हिस्सा होता है सेंटेंस का, पहला हिस्सा क्या होता है, नेम ऑफ ए पर्सन और नेम, नेम ऑफ ए थिंग और प्रोनाउन होता है। और दूसरा जो हिस्सा होता है से अबाउट, जो शख्स या चीज या प्रोनाउन होता है उसके बारे में जो है कुछ हमें बताना है, से अबाउट द पर्सन और थिंग, उसके बारे में हमें कुछ बताना होता है, वो हिस्सा जो है सेकेंड पार्ट होता है जो प्रिडिकेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट, जो पहला पार्ट है नेम ऑफ ए पर्सन और नेम ऑफ ए थिंग, वो है पहला पार्ट जो है उससे सब्जेक्ट कहते हैं। और और द सेकेंड पार्ट इज प्रिडिकेट, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो प्रिडिकेट कहलाता है दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अब पहले क्या देखा था, पहले सब्जेक्ट क्या होता है ये देखा और सब्जेक्ट की डेफिनेशन को समझ लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि प्रिडिकेट क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हर सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं ये हमने समझ लिया। तो और हम एग्जाम्पल की मदद से और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो पहला सेंटेंस है इकबाल राइट्स ए पोयम, इकबाल ने नज़म लिखा, इकबाल ने नज़म लिखा। ओके इकबाल ने नज़म लिखा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे सेंटेंस पर। वी आर रनिंग, हम भाग रहे रहे हैं। दोस्तों इस पर गौर कीजिए, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट को क्या समझा, जो कि नाम हो किसी चीज का या कोई शख्स का, इकबाल जो है नाम है, इस पर हम क्या करते हैं सब्जेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। यस यस से शॉर्ट में मैं लिखता हूं, आप गौर कीजिए समझिए। प्रिडिकेट क्या होता है, वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट, वर्ब जो है राइट है, यहां से शुरू होता है यहां तक वर्ब, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या हुआ प्रिडिकेट, प्रिडिकेट हुआ। तो दूसरे दोस्तों दूसरे सेंटेंस पर गौर कीजिए, हम भाग रहे हैं। तो पहला हिस्सा ये जो है सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट भाग रहे हैं, ये पूरा हिस्सा, यहां पर तो ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं रहा, जो कुछ बचा है वो पूरा प्रिडिकेट होगा दोस्तों।
चंद सेंटेंस ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो नहीं होता है, तब भी हमें पहचान लेना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हिस्सा होगा वो प्रिडिकेट कहलाएगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे सेंटेंस पर। द गर्ल्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल, लड़कियां खेल रही थी, क्या खेल रही थी, बास्केटबॉल, लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही रही थी। ओके खेल रही हैं, प्रेजेंट है दोस्तों, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। ओके प्रेजेंट का सेंटेंस है, द गर्ल्स लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही हैं। ओके यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ, लड़कियां, जो के नाम है किसी चीज का नाम या कोई शख्स कोई भी हो ये सब्जेक्ट होता है। इसके बाद का पूरा हिस्सा जो है प्रिडिकेट कहलाता है। प्रिडिकेट में क्या होगा, वर्ब होगा, आर प्लेइंग ये जो है वर्ब है, वर्ब का उसके बाद क्या होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ओके ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है बास्केटबॉल ऑब्जेक्ट होगा, दोनों मिलाकर क्या हुआ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रिडिकेट होगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राम इज इंटेलिजेंट बॉय, राम क्या है, इंटेलिजेंट बॉय है, यहां पर नाम क्या है, राम, ये है सब्जेक्ट। इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम बहुत चालाक लड़का है, तो ये सारा हिस्सा जो है प्रिडिकेट होगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पर। द लिटिल बॉय सिंग्स एल्मा रिडेम्पटरिस्ट, एल्मा रिडेम्पटरिस्ट क्या होता है दोस्तों, ये क्रिश्चियन पोएम होता है दोस्तों, क्रिश्चियन पोएम जो के होली नज़म होता है जो चर्च में भी पढ़ा जाता है दोस्तों। अगर और कीजिए, एक छोटा लड़का गा रहा था, क्या गा रहा था, क्या गा रहा है दोस्तों, प्रेजेंट का सेंटेंस है, द लिटिल बॉय सिंग्स एल्मा रिडेम्पटरिस्ट। ओके छोटा लड़का गा रहा है, क्या गा रहा है, आल्मा रिडेम्पटोरिस। ओके छोटा लड़का आल्मा रिडेम्पटोरिस गाता है, तो लिटिल बॉय जो है वो सब्जेक्ट है। ओके किस बारे में कहा है, उसने क्या किया है, लड़के ने क्या कर रहा है, गाना गा रहा था। ओके वो क्या होता है, गाना, ये सिंग्स जो है वर्ब, आल्मा रिडेम्पटोरिस क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों मिलाकर क्या हुआ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव प्रिडिकेट। ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान सेंटेंस है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज सूरज मगरिब मगरिब में गुरूब होता है। ओके दोस्तों सूरज मगरिब में गुरूब होता है, क्या ग्रुप होता है, सूरज, सूरज क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा। ओके वर्ब सेट्स यानी के ग्रुप, ग्रुप होना, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों मिलाकर क्या हुआ, प्रिडिकेट होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट इज ए नाउन, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस विच डस सम एक्शन, किसी भी सब्जेक्ट क्या होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने पार्ट्स ऑफ इस सेंटेंस में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए और फिर आकर इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ आएगा। ओके नाउन और प्रोनाउन जो कि एक्शन करता है। ओके जो कि सेंटेंस पर कुछ एक्शन होता है। ओके गौर कीजिए दोस्तों, दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस क्या है, एना, एना इज सिंगिंग, एना क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, एना इज सिंगिंग ये सॉन्ग, एना गाना गा रही थी, गा रही है, प्रेजेंट है दोस्तों, इज आ गया है प्रेजेंट है, एना इज सिंगिंग ये सॉन्ग, एना गाना गा रही है दोस्तों, कौन गाना गा रही है, एना, एना क्या हुआ, सब्जेक्ट। ओके दोस्तों गौर कीजिए, एना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्टिव वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट, दोनों मिलाकर प्रिडिकेट। रयान राइट्स ये पैराग्राफ, ओके रयान ने एक पैराग्राफ लिखा। ओके पैराग्राफ लिखा, कौन, किसने पैराग्राफ लिखा, रयान ने,
रैन क्या हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ राइट, राइट जो है वर्ब है, वर्ब के साथ ये ऑब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा जो है सेंटेंस का वो प्रिडिकेट कहलाता है दोनों को मिलाकर। माई मदर वर्क्स इन ये कंपनी, मेरी माँ मेरी अम्मी काम कर रही है, कहां पर काम कर रही है कंपनी में, मेरी माँ कंपनी में काम कर रही है, काम करती है, ओके करती है। यहां पर इस सेंटेंस में जो है मेरी माँ क्या करती है, कौन काम करती है, मेरी माँ, ओके मेरी अम्मी, हम उर्दू में अम्मी कहते हैं और हिंदी में माँ कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये जो हिस्सा सारा हिस्सा है प्रिडिकेट हुआ। ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शी हैज लर्न टू कुक, वो खाना बनाने सीख चुकी है। ओके वो पकाने, पकाना यानी के पकाना, कुक यानी के पकाना। वो लड़की, लड़की शी का मतलब होता है लड़की, वो पकाना पकाना सीख चुकी है। ये देखो दोस्तों, देखो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, खाना बनाना सीख चुकी है। ओके कौन बना खाना बनाना सीख चुकी है, वो लड़की, वो लड़की क्या हुआ सब्जेक्ट, और ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब का हिस्सा और वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट, दोनों दोनों को मिलाकर प्रिडिकेट। दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस। तो मैंने पहले ही कहा था कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था, उस पर गौर कीजिए, और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। ओके नाउन और प्रोनाउन जो के सब्जेक्ट होता है उस बारे में बताया जाता है। देर आर सम सेंटेंस विच, दोस्तों गौर कीजिए, देर आर सम सेंटेंस विच हैव एडजेक्टिव नॉट वर्ब। चंद ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होता। मैंने पहले भी इस सेंटेंस में कहा था कि ये वर्ब है, वर्क वर्क्स वर्ब है, ये पूरे ये जो है वर्ब है। चंद ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कुछ बताया जाए कि वो कैसा है, कितने कितने हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास क्या है, कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो वो एडजेक्टिव कहलाता है। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पर, इसके एग्जाम्पल भी हम दोस्तों हम एग्जाम्पल अब देखते हैं जिस पर वर्ब नहीं होगा, जो एडजेक्टिव होगा उस सेंटेंस पर सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या होगा वो गौर करते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल पकड़ते हैं, लड़की, वो किस तरह लग रही है, खुश लग रही है, शी सीम्स हैप्पी, वो खुश खुश लग रही है, लग रही है दिखने में, लगना यानी के दिखने में लगना, खुश लग रही है, कौन खुश लग रही है, वो लड़की, वो लड़की क्या हुआ सब्जेक्ट, सीम्स यानी के वर्ब, वर्ब हैप्पी जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यहाँ पर सेंटेंस का जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है, दोनों को मिलाकर क्या हुआ वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रिडिकेट। ओके दोस्तों और दूसरे सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। दे आर वेरी जेलस, कौन जेलस है, वो जेलस है। ओके वो जेलस है। ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है दोस्तों, प्रेजेंट का है, वो बहुत, वेरी यानी के बहुत, वेरी जेलस, वो बहुत जेलस है, कौन जेलस है, वो क्या हुआ दे सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्टिव पार्ट का सेंटेंस होगा वो प्रिडिकेट के लगेगा, जेलस और हैप्पी जो है एडजेक्टिव है दोस्तों। यहाँ पर और गौर कीजिए, ही लुक्स वेरी हैंडसम, वो कैसा लग रहा है, वो कैसा दिखता है, वो बहुत हैंडसम दिखता है दोस्तों। यहाँ पर गौर कीजिए, हैंडसम जो वर्ड है वो लड़कों के लिए है और बॉय जेंट्स के लिए है, और ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो लड़कियों के लिए है दोस्तों। गौर कीजिए कौन हैंडसम लग रहा है, वो लड़का यानी के ही जो है सब्जेक्ट है। वर्ब के साथ जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो प्रिडिकेट कहलाएगा दोस्तों। वर्ब क्या है यहाँ पर, लुक्स है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एग्जाम्पल्स पर देखिए दोस्तों। पोजिशन ऑफ द वर्ब, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट डज नॉट, यहां पर मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया दोस्तों, आप ठीक से लिख लेना अपने नोट्स पर। द सब्जेक्ट डज नॉट कम ऑलवेज ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ये सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है, हम किसी भी सेंटेंस में जो पहले सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर जो जैसे कि ही है, मैंने पहले कहा था रयान, राम, इकबाल, जो सेंटेंस जो है पहले के हिस्से में जो है सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पहले नहीं होता दोस्तों। चंद सेंटेंस पर इट मे कम, इट मे कम
इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। चंद ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होता है मिडिल या आखिर, बीच में या आखिर में आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। आफ्टर, गौर कीजिए दोस्तों, आफ्टर टेकिंग टैबलेट्स, टैबलेट्स दवाई खाने के बाद, आफ्टर टेकिंग टैबलेट्स दवाई खाने के बाद वो बेडरूम चली गई, बेडरूम चली गई। ओके दोस्तों, वेंट यानी के पास्ट टेंस जो होता है, गो का जो है पास्ट टेंस वेंट है। ओके, पास्ट फॉर्म जो है यहां पर मेंशन किया गया, बेडरूम चली गई, गई यानी के पास्ट टेंस। गौर कीजिए दोस्तों इस सेंटेंस में जो है शी, शी यानी के सब्जेक्ट है। अब दोस्तों यहां पर भी वेंट है, ये जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट मैंने कहा था, यहां पर भी वर्ब है और यहां पर भी आफ्टर टेकिंग टेकिंग टैबलेट्स, यहां पर भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इस सेंटेंस को हम किस तरह बांटेंगे दोस्तों? जब भी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में दो कैटेगरी के होते हैं, मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये जो है हमारा लेसन नंबर 3 है, इसमें सब्जेक्ट प्रिडिकेट। इस लेसन में जो है हम सिर्फ सेंटेंस को दो भाग में, दो पार्ट्स में बांटेंगे, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो हिस्सा होता है वो भी सब्जेक्ट ही होता है। बिना बिना कुछ सोचे समझे आपने सीधा इस तरह डाल देना चाहिए, सिर्फ उसी सेंटेंस पर जिसमें सब्जेक्ट सेंटर में आता हो या आखिर में आता है। दोस्तों गौर कीजिए, सिर्फ उसी सेंटेंस पर सब्जेक्ट हम जो है सेंटेंस का हिस्सा जो आखिर में आता हो या बीच में आता हो, उसलिए उसी सेंटेंस पर हम सब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे। ये जो हिस्सा होता है आफ्टर टेकिंग टैबलेट्स, ये जो है प्रिडिकेट होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके दोस्तों गौर कीजिए, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट जो है आखिर में आ रहा है, पहले जो है प्रिडिकेट आ रहा है। क्यों हमने ये भी मिला दिया? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है सेंटर पर है, बीच में है दोस्तों, मिडिल में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। लॉन्ग लाइव दी डैड, लॉन्ग दोस्तों गौर कीजिए, लॉन्ग लाइव दी डैड, लॉन्ग लाइव दी डैड अब्बा जी यानी कि पिताजी। इस सेंटेंस में एक बात और हमें गौर करना चाहिए, यहाँ पर जो मार्क लगा है वो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मार्क लगा है। दोस्तों अगर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में नहीं जानते, तो मेरे वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है उस वीडियो को गौर से देखें, लेसन नंबर 1, उसमें आपको डिटेल में बताया गया है। ओके, अब्बा जी की लंबी उम्र, उम्र दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए, इस वर्ड का असल मीनिंग क्या है, जिंदा। और इस सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं, उमर। दोस्तों गौर कीजिए, जब भी हम किसी को देखते हैं या किसी का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि अब्बा जी की लंबी उम्र है, अभी हमने नाम लिया और बंदा हाजिर, तो इसी तरह का एक सेंटेंस है ये, इस पर गौर कीजिए। जब भी हम किसी सेंटेंस को समझते हैं तो हम उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में समझते हैं, तो ये अलग लैंग्वेज है, हिंदी और उर्दू जो है वो अलग लैंग्वेज है, ये अंग्रेजी जो है वो अलग लैंग्वेज है दोस्तों। मगर हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। इसलिए हर सेंटेंस में जो है एग्जैक्ट मीनिंग आप मुझसे उम्मीद मत रखिए, मुझसे क्या आप हरगिज उम्मीद मत रखिए, क्योंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं। हम समझने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर कर समझते हैं दोस्तों। यहां पर पिताजी की उम्र, पिताजी की लंबी उम्र है दोस्तों, पिताजी की लंबी उम्र है। तो डैड किसकी लंबी उम्र है, डैड की, डैड जो है सब्जेक्ट है दोस्तों, लाइफ लॉन्ग। ओके, ये है प्रिडिकेट दोस्तों। इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट जो है आखिर में आया हुआ है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। गोन आर दी डेज, दिन, दिन जो है किसी का वक्त, वक्त जो है दोस्तों किसी का इंतजार नहीं करता, वो बस चला जाता है, दिन चला गया, दिन दिन जो है चले चला गया, गोन यानी के पास्ट टेंस दोस्तों, पास्ट टेंस।
पास्ट टेंस वर्ब है, दिन चला गया। क्या चला गया? दिन। गुड। अच्छा, दोस्तों यहां पर देखिए, दिनों दिन 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 जो है प्लूरल में है दोस्तों, इसलिए मैंने प्लूरल में लिखा था। वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि मेन वर्ब है। यहाँ इस सेंटेंस पर कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है दोस्तों, ये पूरा वर्ब है, ये प्रिडिकेट कहलाता है दोस्तों, ये जो है सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हाइडिंग इन दी जग, जग में छुपा हुआ, छुपा रहना। ओके, जग में छुपा हुआ था। क्या जग में छुपा हुआ था? व्हाइट माउस, सफेद चूहा। एक सफेद चूहा जो जग में छुपा हुआ था। दोस्तों इस सेंटेंस पर गौर कीजिए, यहां पर कौन छुपा हुआ था? माउस, चूहा, चूहा छुपा हुआ था। चूहा वो कैसा था? सफेद रंग का चूहा था दोस्तों। यहां से यहां तक का सारा हिस्सा जो है सब्जेक्टिव है दोस्तों, ये भी जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ये भी जो है सब्जेक्ट है दोस्तों। ये जो है वर्ब प्लस जग ऑब्जेक्टिव पार्ट, हाइडिंग भी है जो वर्ब हमारा है, ये पूरा प्रिडिकेट हुआ दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, इस वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ टू फाइंड ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट को हम किस तरह ढूंढ सकते हैं ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। हु यानी कि कौन प्लस वर्ब, हु प्लस वर्ब से अगर हम सवाल करें तो जवाब में जो आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। हम हु सिर्फ शख्स या लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, और व्हाट, व्हाट यानी कि क्या प्लस वर्ब, वर्ब व्हाट प्लस वर्ब के साथ हम जो भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों उसका जो आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स इसके लिए हम व्हाट इस्तेमाल कर, व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हमने पहले समझ लिया था कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किस तरह पहचाना जाता है, सब्जेक्ट को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, तो हम समझ गए हैं। अब हम इस पर और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। पहला हमारा सेंटेंस है, रूही सिंग्स ये सॉन्ग। कौन गाना गा रही है? रूही। तो कौन? हु इज सिंगिंग ये सॉन्ग? हु सिंग्स, कौन गा रही है? ओके, रूही गा रही है, मींस रूही इज दी सब्जेक्ट ऑफ द अबव सेंटेंस। इसके ऊपर के सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है? रूही। कौन गाना गा रही है? रूही। यहां पर वर्ब क्या है? गा रहा, गा रही। ओके, गा रही। तो सिंग्स मैंने यहां पर यस लगाया है दोस्तों, क्योंकि ये रूही नाम है, नाम के लिए हम सिंगुलर यूज करेंगे, सिंग्स वर्ब, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। ड्रामा इज इंटरेस्टिंग, ड्रामा इज इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है दोस्तों? ड्रामा। ओके, व्हाट इज इंटरेस्टिंग? ड्रामा इज इंटरेस्टिंग। सो तो ड्रामा जो है वो सब्जेक्ट है दोस्तों इस सेंटेंस में। अब हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डज योर मदर लाइक कॉफी? ओके, डज, क्या आपकी अम्मी या माँ कॉफी पसंद करती हैं? तो ये दोस्तों ये गौर कीजिए, यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं जानते तो मेरे वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर जाकर देख लीजिए और समझ लीजिएगा दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं। हु लाइक्स कॉफी, किसको कॉफी पसंद है? मेरी माँ को, आपकी माँ को, आपकी अम्मी को। ओके दोस्तों, तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योर मदर जो है वो सब्जेक्ट है दोस्तों इस सेंटेंस में। नेक्स्ट जो है ये पैरेट, पैरेट दोस्तों, अब जो मैं सब्जेक्ट जो सेंटेंस बता रहा हूँ इस सेंटेंस पर, आने वाले सारे सेंटेंस पर थोड़ा गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ठीक तरह से पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या होता है और वो किस तरह से होता है किसी भी सेंटेंस में। तो पहला है, ये पैरेट बाइट माई ब्रदर टुडे, आज मेरे भाई को तोते ने काट दिया। ओके, काट दिया, कतरना। ओके, कतरना, काट दिया। यहां पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? पैरेट, पैरेट जो है सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या हुआ? हु बाइट माई ब्रदर? पैरेट बाइट माई ब्रदर।
ये जो है वर्ब, ये जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट, दोनों को मिलाकर क्या हुआ? प्रिडिकेट। दोस्तों अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये ग्रीन पैरट बाइट माय ब्रदर टुडे, आज मेरे भाई को काट दिया। किसने काट दिया? ग्रीन पैरट। हु बाइट माई ब्रदर? ग्रीन पैरट, हरे तोते ने। ओके तोते ने, ये जो हुआ सब्जेक्ट हुआ, ग्रीन पैरट सब्जेक्ट हुआ, यहां से लेकर यहां तक। हु बाइट माई ब्रदर, ये जो है वर्ब हुआ, ये माई ब्रदर टूडे जो है प्रिडिकेट हुआ दोस्तों, माई ब्रदर। तो नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये ग्रीन पैरट फ्लाइंग ऑन द स्काई, एक हरे रंग का तोता जो आसमान में उड़ रहा है, वो आया आकर और बाइट, उसने काटा, हरे रंग के तोते ने काटा किसको? मेरे भाई को। आज आज एक हरे रंग के तोते आज आज मेरे भाई को, हरा तोता ने जो आसमान में उड़ रहा था वो आया और काटा। दोस्तों यहां पर गौर कीजिए दोस्तों, यहां से लेकर ग्रीन पैरट फ्लाइंग ऑन द स्काई यहां तक दोस्तों, ये पूरा सब्जेक्टिव हिस्सा है दोस्तों, गौर कीजिए। फ्लाइंग ऑन द स्काई यहां तक जो है सब्जेक्टिव है, फ्लाइंग जो है वर्ब है दोस्तों, लेकिन ये सब्जेक्ट के बारे में है दोस्तों। यहां पर प्रिडिकेट का हिस्सा अगर देखें तो मेन वर्ब जो है बाइट है दोस्तों, इस से स्टार्ट होकर यहां तक टुडे तक ये पूरा हिस्सा जो है प्रिडिकेट कहलाता है दोस्तों, गौर कीजिए। यहां पर वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब्स है, यहां पर मेन वर्ब है, इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है दोस्तों, ये प्रिडिकेट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पर। ये ग्रीन पैरट विथ ए स्मॉल विंग्स, ये हरा तोता जिसमें जिसके पास स्मॉल छोटे पर हो पर है, उसने मेरे भाई को काटा। बाइट माई ब्रदर टूडे, आज मेरे भाई को एक हरे तोते जिसके पास छोटे पर है उसने काट दिया। ओके दोस्तों यहां पर, यहां से विंग्स तक का दोस्तों, विंग्स तक का हिस्सा जो है इस सेंटेंस का पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है दोस्तों, सब्जेक्टिव पार्ट है, और बाइट माई ब्रदर टूडे जो है वो प्रिडिकेट है दोस्तों, गौर कीजिए। हु बाइट माई ब्रदर, ये ग्रीन पैरट विथ ये स्मॉल विंग्स जो है दोस्तों सब्जेक्टिव पैरट। हु बाइट माई ब्रदर, ये ग्रीन पैरट विथ ये स्मॉल विंग्स, ये जो है सब्जेक्ट के बारे में और कुछ कहा गया है कि सब्जेक्ट कैसा है, उसके पास क्या है, तो वो सब्जेक्टिव पार्ट हुआ दोस्तों। बाइट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? बाइट। बाइट के पास प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट माई ब्रदर टूडे, ये जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है दोस्तों, ये प्रिडिकेट कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। ये ग्रीन एंड स्मॉल पैरट विथ ए स्मॉल विंग्स, एक हरा और स्मॉल पैरट जो कि छोटा तोता विथ ए स्मॉल विंग्स, जिसके पास छोटे पर हो, उसने बाइट बाइट काटा किसको? काटा मेरे भाई को। कब काटा? आज। दोस्तों मेन वर्ब है बाइट, बाइट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट दोस्तों, ये पूरा हिस्सा हुआ प्रिडिकेट, और यहां से लेकर यहां तक ये जो है सब्जेक्टिव पार्ट है दोस्तों, सब्जेक्टिव पार्ट है, और कीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट लेफ्ट आउट, हाउएवर इट इज ऑलवेज यू विच इज अंडरस्टूड। दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं देखा तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखिए, उसमें मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया है दोस्तों। यहां पर फिलहाल ये बता देता हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर होते हैं दोस्तों, जो आपको कोई और इंसान जो आपको देता है दोस्तों, आप यानी कि यू, यू से जो है हम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है दोस्तों, यू जो है सब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। तो इस सेंटेंस में ये कहते हैं कि वर्ब जो है क्लोज द डोर, ये है दोस्तों ऑर्डर, ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर क्लोज, क्लोज जो है दोस्तों वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पर? डोर, ये प्रिडिकेट कहलाएगा दोस्तों। सब्जेक्ट जो है यू,
यू जो है सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर इस सेंटेंस से ऐसा सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस देकर पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप फौरन यू डाल दें, आंख बंद करके आसान तरीके से आप यू कह सकते हैं, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, ये याद रखना है। यहाँ पर लिखा नहीं होगा, बस आपको याद रखना है कि आप जो है, आपको कहा गया है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, आपको कहा गया है दोस्तों, इसलिए आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो। ये पूरा हिस्सा जो है प्रिडिकेट है दोस्तों, उसी तरह यहां पर भी यू जो है सब्जेक्ट है दोस्तों। ऑलवेज टेल ये ट्रूथ, हमेशा सच, हमेशा सच बोलो। ओके दोस्तों, ये जो है यहां से यहां तक का हिस्सा जो प्रिडिकेट है दोस्तों, ये भी जो है प्रिडिकेट ही है दोस्तों। यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में जो भी हमें दिखता है, जो भी हम पढ़ते हैं, वो प्रिडिकेट होता है दोस्तों। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि यू जो है सब्जेक्ट है दोस्तों। ओबे योर आर्ट, ओबे योर एल्डर्स, हमेशा बड़ों की बात मानो दोस्तों। ये यहां से यहां तक का हिस्सा जो हुआ वो प्रिडिकेट है दोस्तों। यू यहां पर तो यूअर पहले से ही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हम यू को ऐड करके एडजस्ट, हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि यू यू दोस्तों, ओबे योर एल्डर्स, आप यू जो है हमें अंडरस्टूड होना चाहिए दोस्तों। यू आप, आपके बड़ों की बात मानो दोस्तों। तो ये जो पूरा हिस्सा हुआ ओबे, ओबे जो हुआ वर्ब है दोस्तों, ये पूरा हिस्सा जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो प्रिडिकेट हुआ। ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रिडिकेट हुआ दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। इन ए सेंटेंस बिगिनिंग विथ देयर, बिगिनिंग विथ देयर, द एक्चुअल सब्जेक्ट इज आफ्टर द वर्ब दोस्तों। चंद सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसकी शुरुआत जो है देयर से होती है दोस्तों, जिससे देयर से होती है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट होता है आफ्टर द वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट होता है दोस्तों। इस सेंटेंस में हम किस तरह अपने दो पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट को अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों, ये हम इस पर गौर करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं दोस्तों। देर आर मंकीज इन द ट्री, वहां दरख्त में बंदर हैं दोस्तों, वहां दरख्त में बंदर हैं। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ दोस्तों, यहां तक का सारा हिस्सा जो है सब्जेक्ट है दोस्तों। मैंने पहले प्रिडिकेट का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें कहा था ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब तो यहां पर आ चुका है सब्जेक्ट से पहले, तो ये जो वर्ब होता है इस सेंटेंस में, जो देर के सेंटेंस में, ये सब्जेक्टिव कहलाता है दोस्तों। यहां पर जो है ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को हम प्रिडिकेट बना देते हैं दोस्तों। समझ आ गया बात? अब और गौर करते हैं दोस्तों, इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देर इज रोज, वहां रोज है। ऑन हर हेड, उसके सर पर, उसके यहां पर हर यानी के लड़की को रेफर किया, लड़की को रेफर करते हैं दोस्तों, गर्ल को रेफर हर होता है दोस्तों। देर इज रोज ऑन हर हेड, उसके सर पर रोज फूल है दोस्तों, रोज फूल है। यहां पर क्या हुआ, वर्ब मेन वर्ब क्या है, इज है, मेन वर्ब जो है इज यानी के है, रोस यानी के मेन सब्जेक्ट जो है दोस्तों, मेन सब्जेक्ट जो है रोस है दोस्तों, इस पर हम सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ऑन हर हेड, ये जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रिडिकेट कहलाता है दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों। हम अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम टाइम इन प्रिडिकेट हैव टू ऑब्जेक्ट्स, चंद ऐसे सेंटेंस होते हैं दोस्तों जिसमें प्रिडिकेट में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको हम सब्जेक्ट और प्रिडिकेट को अलग अलग करते हैं दोस्तों। शी थ्रोस ये फ्लावर ऑन मी, उसने फूल किस पर फेंका, मुझ पर, उसने फेंका एक फूल मुझ पर, उसने मुझ पर एक फूल फेंका दोस्तों। यहां पर वर्ब क्या हुआ, थ्रोस फेंकना, फेंकना जो है एक्शन हो गया वर्ब। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया फ्लावर,
और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों मी, ऑन मी। दोस्तों ये दोनों वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों? प्रिडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो भी हिस्सा आता है वो प्रिडिकेट कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर ये शी जो है सब्जेक्ट है दोस्तों। और नेक्स्ट सेंटेंस पर हम आगे बढ़ते हैं। ही हिट, उसने मारा, किसे मारा? ये स्टोन से मारा, पत्थर से मारा। किसको मारा? ऑन हर, उस लड़की को मारा। हर यानी के रेफरेंस है दोस्तों। उसने मारा एक पत्थर से उस लड़की को, ऑन हर, उस लड़की को एक पत्थर से मारा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये स्टोन, ये जो है ऑब्जेक्ट है दोस्तों। एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ऑन हर, लड़की है दोस्तों। यहाँ पर हिट जो है मेन वर्ब है दोस्तों इस सेंटेंस की, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी के प्रिडिकेट दोस्तों। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट जो है ही है दोस्तों वो। यहाँ तक इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।